सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ट्रिक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन बेल के ऊपर, जिससे कि अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले आपको। भैया नया मोबाइल है, शाम होते होते बैटरी हो जाती है लो और आप हाथ में ले ही फिरते हो। पावर बैंक चाहे ढूंढते हो कोई बिजली का बोर्ड जिसमें करंट हो और आप अपना चार्जर लगा के जो है मोबाइल चार्ज कर सकें। और न्यू मोबाइल है फिर भी ये समस्या है, तो आपको ये जो वीडियो है एंड तक देखना होगा और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको मोबाइल में कुछ सेटिंग्स वगैरह है जिसको आप फ्लो करके और आपका जो मोबाइल का बैटरी है उसका बैकअप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई न्यू मोबाइल लिया और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन व्हाट्सएप फेसबुक और बहुत सारे क्या क्या है उसको इंस्टॉल किया और ये सब करने के बाद आपने सोचा चलिए कि बैटरी सेवर एफडी अपने मोबाइल में रख लेते हैं जिससे हमारा मोबाइल का बैटरी है वो सेफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा जो आपने बैटरी सेवर एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर रखा है इसका वर्क क्या है, काम क्या करता है आपके मोबाइल में। तो जो बैटरी सेवर ऐप है भाई वो काम ये करता है, आपने जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन किया और उसको बैकग्राउंड में छोड़ दिया और कोई एप्लीकेशन और ओपन करके उसमें कोई और अपना काम करने लगे तो उसको वहाँ से क्लीन करता है। चाहे आपके मोबाइल में जैसे ब्लूटूथ हो वाईफाई हो वन हो और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ करेगा। अगर नहीं होगा वाईफाई ब्लूटूथ ऑफ है फिर भी जो ये एप्लीकेशन है आपको बैटरी बचाने के चक्कर में वाईफाई को कभी ऑफ ऑन करेगा कभी ब्लूटूथ को ऑफ ऑन करेगा, चाहे बैकग्राउंड में कोई आपका एप्लीकेशन रनिंग कर रहा है उसको वहाँ से क्लीन करता रहेगा। इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है और सेंसर से ये सब काम ये करता है। तो ये भैया मेरे हिसाब से तो जो एप्लीकेशन है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी चलिए इसका जो काम है वो जान के आप समझ गए होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। सेंसर है इसमें और भी बहुत सारे, अगर नहीं भी वन है उसको भी ऑफ करेगा वन करेगा आपको बैटरी जो मोबाइल का है उसको बचाने के चक्कर में। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको अपने मोबाइल में क्या सेटिंग करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वही एप्लीकेशन रखना है जिसको आप यूज करते हैं, बाकी जो लटरम पटरम रखे हैं उसको वहाँ से क्लीन ही कर दे तो बेहद होगा आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसके लिए। और आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसको जो बैकग्राउंड में है उसको वहाँ से क्लीन कर देना है, जैसे छोड़ना नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप ओपन किया मैसेज पढ़े और उसको बैकग्राउंड में छोड़ दिया तो उसको वहाँ से क्लीन करेंगे तो आपका जो बैटरी है वो काफ़ी टाइम लाइफ दे सकता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आपने अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन रखे हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम ट्विटर ऐसे बहुत सारे रखे होंगे लटरम पटरम, उसका जो बैकग्राउंड डाटा है उसको ऑफ कर दे तो बेहतर होगा। एक तो जो आपका कोई भी जैसे फेसबुक में आपने कोई फोटो अपलोड किया है उसके ऊपर कितने लाइक आए किसने कमेंट किया किसने शेयर किया इसका मैसेजेस जो है वो देता रहता है। ये काम तो भैया आप फेसबुक ओपन करके 5 मिनट में भी कर सकते हो, उसको बैकग्राउंड डाटा देने की क्या ज़रूरत है, बैकग्राउंड को ऑफ ही कर ले तो काफ़ी सही रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर बहुत सारे लोग हैं तरह तरह के जैसे फ़ोटो चाहे बहुत सारे कुछ लगा के रख सकते हैं, इसका तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, आप नॉर्मल ही रखें तो अच्छा रहेगा। और डिस्प्ले का जो लाइट है उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें तो अच्छा रहेगा और उसको ऑटो पे कभी मत चलाएं, क्योंकि ऑटो पे चलाने के बाद ये होता है उसके अंदर एक सेंसर लगा होता है और सेंसर की मदद से आपके मोबाइल में जो सेंसर है उसकी मदद से वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करता रहेगा, जैसे जैसे आप यूज करेंगे वैसे वो करता रहेगा। उसके बाद जो आपका डिस्प्ले का जो टाइम लिमिट है उसको अपने हिसाब से रखें, जैसे बहुत लोग 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का रख लेते हैं। जैसे कि आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन किया और मोबाइल को जो है रख दिया साइड में तो भाई आपको 5 मिनट तक इंतज़ार करता रहेगा कि बंदा आएगा तो मुझे उठाएगा। अगर आप उसको 15-30 सेकेंड का रखते हैं तो 15 सेकेंड के बाद जो है ऑफ हो जाएगा और आपकी जो बैटरी है वो सुरक्षित रहेगी। भैया चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अपना कॉलर ट्यून तरह तरह के लगाते हैं और वाइब्रेशन भी साथ में देते हैं, अगर आपको ज़रूरत है उसी टाइम वाइब्रेशन दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वाइब्रेशन देने के लिए मोबाइल के अंदर एक छोटा सा जो है मोटर लगी होती है
और जब कोई फ़ोन आता है, कोई मैसेज आता है, तो वो मोटर ऑटोमेटिक चलने लगती है, जिससे कि आपके मोबाइल में जो है वाइब्रेशन होता है। तो भैया जान सकते हैं मोबाइल के अंदर जो मोटर है उसको चलाने के लिए बैटरी कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी मोटर है, चाहे पंखा हुआ, कोई भी मोटर हुआ, उसके लिए थोड़ा पावर ज़्यादा चाहिए होता है, जिससे कि वो चलता है। तो वाइब्रेशन के ऊपर ना ही रखें तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता वाइब्रेशन को बंद कर दें, जब आपको वाइब्रेशन की ज़रूरत है उसी टाइम वाइब्रेशन जो है वन रखें, नहीं तो नॉर्मली रिंगटोन चलने दें, चाहे जो आप सॉन्ग वगैरह लगाए हैं उसको चलने दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में जैसे मान लीजिए भैया आप कहीं घर से दूर है, टूर पे जा रहे हैं आप, है ट्रेन में, चाहे बस में है, चाहे गाड़ी में है, और आपका जो है कोई बंदा इंतज़ार कर रहा है अगले प्लेटफॉर्म पे, चाहे अगले स्टॉपेज पे, और आपका जो बैटरी है मोबाइल का वो रह गया भैया यहाँ पे 15%, और आपने सोचा क्या, चलिए इसको लॉक करके रखते हैं जेब के अंदर, वहाँ जाके उस बंदे से बात भी करना पड़ेगा भैया कहाँ है वो, आकर यहाँ से ले जाएगा। तो आपने तो भैया अपने मोबाइल को लॉक करके जेब में डाल लिया, हुआ क्या, आपका डाटा है वन, और जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर तो होगा ही सभी के मोबाइल में, प्ले स्टोर के अंदर आपने रखा क्या है, जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करने के लिए ऑटो सिस्टम यहाँ से चालू है, और आपने जैसे ही जेब में डाला वहाँ से आएगा भैया अपडेट का टाइम, और वहाँ से आपका जो 5-6 एप्लीकेशन है वो लगे उन्हें अपडेट, और अपडेट होते होते जैसे आप पहुँचे वहाँ उतरे, आपकी जो मोबाइल है वो भैया ऑफ हो चुकी है, क्योंकि 15% ही तो था बैटरी। उसके बाद आप फंस सकते हैं प्रॉब्लम में, लोग आपका जो नंबर है उस बंदे का जिससे आपको मिलना था, उसका भी जो नंबर आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट में है, तो नंबर कैसे निकलेगा, इससे भी आप फंस सकते हैं भैया कहीं। तो इसको जो है ऑटो से हटाकर आप अपने हिसाब से जहाँ कहीं फ्री टाइम में बिजली वगैरह हो, मोबाइल चार्ज में लगा हो, वहाँ भी अपडेट कर सकते हैं इसको, वहाँ प्ले स्टोर से ऑटो अपडेट को ऑफ ही कर दें तो मेरे हिसाब से तो ठीक रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। भैया आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है आप अपने सेटिंग से बैटरी मैनेजर में जा सकते हैं, और बैटरी मैनेजर में जाने के बाद आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा ऐसा ऐप है जो ज़्यादा बैटरी ले रहा है। आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को कंट्रोल में चला सकते हैं, अगर नहीं यूज़ का है तो आप वहाँ से उसको ऑन शॉर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये थी कुछ ट्रिप्स जिससे कि आप अपने बैटरी को थोड़ा बैकअप बढ़ा सकते हैं, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो ज़रूरी आपका जो बैटरी का बैकअप है वो थोड़ा हो सकता है। तो बस यही थी कुछ सेटिंग्स। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसा ही ट्रिक लेकर आपके लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।